हेलो जी, राम राम जी सारे ने, और आपका स्वागत है अपने एक और नए व्लॉग में। और मैं उठ ली, कई देर होगी मैंने उठी ना भी, और ब्रश ब्रश मैंने कर लिया है। और देखो गुरमीत ने यो भाई उठा पूरे बज रहे हैं 10:30। मेरी मम्मी वाली बात, इसकी शर्म को नहीं आंदी नू देखता टाइम के डर मेरे उठ दे। देखो फिर कहना के पकड़ा दिया है, दीवार की सफाई करो या छोरी चाहे कुछ की में कर लियो, आखिरी मेहनती बर्तन ने साफ करने है। तो मैं ये ऊपर कमरा के झाड़ू पोछे करके आऊँ, झाड़ू जला जाकर आऊँ, शीशे साफ करके आऊँ, और नीचे के मैंने एक दिन पहला कर दिए थे, और रसोई भी मैंने साफ कर दी। बाकी जितना ऊपर कार नीचे करा रहा है मैं वो कर दूँ, और जब जाऊँ मैं सफाई कर फिर मिलते हैं ऊपर जाके। पहुँच गई भाई मैं ऊपर कमरा में, और देखो कमरा का हाल कुछ इस तरह कर रखा है। और ये हमारी रिंग लाइट रही, और वो हमारा फुटा शीशा जिसमें मामे रील बना के जाकर हम जिस दिन भाई नो जनी कंपनी वाले बोलते हैं प्रमोशन की रील भाई इबे अपलोड करनी है, तो मामे हमारी रील उ शीशा बना के जाकर नीचे तो इतना दिखता को ऊपर ऊपर तक बढ़िया चला है। और देखो ये सारी गुरमीत की फोटो इंस्टा पता आई थी, किसी ने भेजी थी, या मेरी और गुरमीत की भी रिसीव हुई थी मैम ने, और भी इतनी सारी हैं, एक सौ गल भी सॉरी गल है, मतलब सब गल हैं। तो कमरा का डाल सा कुछ हो रहा है, ये मस्ती फटाफट लाग के ना इसके बाद शीशे साफ कर दूँ, फिर झाड़ू पोछा कर दूँ, और फिर नीचे जाना, फिर नीचे की सफाई करवा। तो गाइज क्या करें, काम तो करना पड़ेगा ना। तो बाय बाय गाइज, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। देखो सफाई करते करते और मैंने फूल मिल गए, मैंने मतलब देखो इन पर इतनी सारी धूल हो रही है, और इंस्टा पर रील बनाई फिल्टर में एक नंबर के लग गए थे। और पीछे मैंने अंटे का मतलब जो कंचे हुए हैं उनका गमला बनाया था, तो उनके गुलदस्ते हैं इनकी दो दूंगी मैं, जो वो सूत्र हो जाएंगे फिर एंड लागेंगे। और देखो मैंने खिड़की खड़की खोल दी है, ये मैं मंडू हूँ सफाई पर, और आप भी मंड जो आप सबके देखो। और सॉरी लग रहा है पीछे खेलन, वो हमारी कड़ी है बड़ा, उन कड़ियाँ बजा के ना खड़े होया करें, मतलब उसकी आदत हो रही है जब कड़ियाँ बजा के खड़े उनकी उसकी मजा आया करें। और इतना बड़ा तो वो है नहीं भाई, वो जालियाँ के ऊपर को उसका हाथ बिक जाए, मतलब उनका ऊपर को टेढ़ा चले जाए, वो बाहर खेलने लग रहा है प्रियंका का दौर है। और मैं लाइक जिम काम करें करना पड़ेगा गाइज। गाइस क्या देख रहे हो, मेरे पे तो मेरे घर वाले सफाई करवाए हैं दिवाली की। अरे गाइस मेरे ना 1.5 लाख फॉलोअर होने वाले हैं, 1.5 लाख, हाँ 1.5 लाख ही, और घर वाले मुझे शीशे साफ करा रहे हैं, और एक माता रानी के दर्शन करवाऊं तुमने, या मेरा आगे तो नहीं जा रही, इतनी बार कह लिया मैंने, मैं तेरे ऊपर को फेंक दूंगी, चली जा, दिखाइए कैमरा मैन जल्दी फोकस करो। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। मैंने नहीं बेरा था ऐसा अच्छी पीक थी कि मैंने कम से कम 15 मिनट हो गई इसके गले से कर दिया, तो चली गई ना मम्मी सफाई करा थी, कली ना जावा थी। गाइस आप सबको मैं दिखाई दे रही हूँ ना मैं कहाँ पे चढ़ गई, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, इतनी बड़ी, या सफाई तो मेरे को दिखाऊंगी मम्मी प्रियंका बना दी कौन व्लॉग व्लॉग बना रहा सफाई कौन कर दी। गाइज यार तुम ही बचा सकते हो मुझे, बचा लो यार, दो खिड़की तो मैंने साफ कर दी, और ये तीसरे वाली है ना इस पे इतनी भयानक भयानक छिपकली आ रही है गाइज, तमें सारे नीचे बैठे रही हो, कोई कुछ करवाने का कौन ही। नू कौन सोचे थे करके मैं इंस्टा की स्टार। अरे के देखो वो काम तो करना पड़ेगा यार, अगर तुम ही नहीं करोगे तो कौन करेगा अपने घर का काम, है ना, किसी की बात की बेइज्जती नहीं समझनी चाहिए, अगर खाओगे तो तुम तो बर्तन भी तुम्हें धोने पड़ेंगे। तो मैं तो जा रही हूँ, तुम क्या देख रहे हो, तुम भी आ जाओ, तुम तो आओ कौन ही, एक आधी बात इतनी एनर्जी आवा है जरूर जमकी पाड़नी हूँ। चोखा छिपकली तो चली गई, ये
भाई तीस दीवार पे सफाई जरूरी हो भाई करनी तो करनी चाहिए गाइस। देख क्या रहे हो तुम भी लग जाओ यार कुछ तो छिपको मेरे से। अब अच्छे इंसान हूँ मैं कहाँ कहाँ पे जाऊँ यार मिलने तुम्हारे को तो लग जाओ वरना ये लगेगा। उनके कुछ काम है थाली बन जाएगा मेरे पाप वाली गच बात है ना थाली आदमी कुछ तो काम तो मैंने मेरे पापा वाले टॉपिक सब तक मुफ्त लग गया मेरा। गाइस मैं एक रील बना रही हूँ प्लीज आप वायरल करवा देना मेरे सपना की रानी कब आएगी तू। ओए टूट जाएगी गोलू मुझे जानता मार देगा मेरा बर्थ डे गिफ्ट में दी थी मुझको। एक वो आ गया रोंदड़ बच्चा मैं उसको डराऊं प्रपोज करूंगी यार जिंदगी कितनी मुश्किल है भाई। यो काम किस किस का गला बना कर रहा है सफाई करना आ जाओ मैं तो बहुत बार फोन चलाऊंगी थोड़ी थोड़ा काम करूंगी फोन पूरा चलाऊंगी जब तक मेरे हाथ में फोन रहूंगा तो मेरे पर काम बना ही बना को नहीं। तो दो खिड़की मैंने पूरी तरह से साफ कर दी है देखो यह वाली और वापरली साइड वाली और प्रियंका लग रही है बेड बुड बिछाने खातर ये भी एजेंसी वाह खिड़की है और एक ही यह है मैंने करने माँ बाहर तो रही है यार जिंदगी कितनी मुश्किल है ना जीनी मारा तो सारी मेरी मम्मी नु लगेगी सफाई कर दो सफाई कर दो सफाई कर दो। एक मैं मेरी मम्मी की इकलौती बैठी हूँ जो सारे कहने को मानती हूँ और तो वैसे ही है बस गाइस मुझे नींद आ रही है मैंने सोची में इतनी नींद आवे मारा करके इतनी गाली देवे तू इतनी ना सोया कर चाहे मैंने कुइयां सवा दो मैं जब्बे सोचू मेरा निके हो रहा है के देखो मेरी खिड़की रह रही है दो साफ करनी कर लूँ मैं बाय बाय मिलते हैं थोड़ी देर के बाद फिर मैंने भूख भी लगने वाली है मैं जल्दी जल्दी है दो करती हूँ फिर रोटी खा करूँगी फिर झाड़ू पोछा करके जाऊँगा। भाई मैंने अगर मसारे वाला बैदन सॉरी तो बता भाई प्रियंका का एक इल्जाम लगावा मम्मी प्रियंका ने शीशा फोड़ दिया ये शीशा पहले ही फूट रहा है शीशा फोड़ दिया प्रियंका ने झूठ बोले सच्ची मैं देख तीन ट्रेड कर दी इस दिन नीचे जाके गाली मिलेगी गाली पिश पिश यस यस बस यह खिड़की रहेगी साफ करनी वो भी कर आई मैं बस क्या रहेगी गाइस अब तो हम बाजी जीत गई ये ढोल बजेगा भाभी आएगी नन 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 इनका दारू का दल आएगी ये शर्म आपकी है कभी मैं आपको इसका पूरा फेस दिखाऊंगी लग में नो टेंशन चलो भाई नहीं दिखाना चाहते तो किसी को भाव मत दिया करो है ना। अरे यार एक खिड़की पेंडिंग में है जल्दी से निपटा लो फिर मुझे भूख लग रही है भूख सिस्टम गाइज फाइनली हमारे शीशे साफ हो गए हैं और प्रियंका गार्डन लग रही है झाड़ू और मैं फटाफट लगा दूँ पोचा और शीशे साफ हो गए उसके बाद मैं ये जो ग्रिल है या ग्रिल साफ कर देंगे फिर जाऊँगे नीचे। यार कितना बुरा दिन है ना आज का हमें तो क्या लगाते हैं वो उनको क्या बोलते हैं जो सफाई कर्मचारी वगैरह हैं मारती कौन से रुपये देंगे फ्री में करवावा है ये बोला तो रोटी बन खा के अरे हमको कोई खाना तो दे दो यार मैं फटाफट जाकर नीचे तक पोचा डाले आऊँ रगड़े लगा दिए कमरा तो न्यू न्यू देखो गुरमीत का कमरा हमें चमका दिया गाइस कमेंट में बताना कमरा कैसा चमक गया है और देखो हमारा गुरमीत में दिमाग देखो यार तुम भी बताना यूट्यूब फैमिली ऐसे थोड़ी होता है यार यहाँ पे उसको दरवाजे नहीं दिखा पीछे फोटो लगा के चला गया यार
इतना बड़ा मूर्ख इंसान है वो। मैं अद्धे में सफाई छोड़ कर नीचे पोचा वाला कपड़ा लेने आई थी, रोटी बाद में खाऊंगा। पहले मैंने सेब खा ली, हर रोटी बाद में खाऊंगी, कुछ तो खाया जाए यार। और ये बनावा है मेरी दीदी चा, देखो सब कुछ बिना रह जाओ, एक चा बिना कोने रह जाए। तो मेरी दीदी चा बनावा है, सेब के ऊपर तो चाह पी लूंगी। टाइम 12 बज गए हैं, कोई 1 बजे जाके मैं रोटी खाऊंगी, फिर मैं कुछ नहीं बनेगा मेरे पे, मैं विश्राम करूंगी। मैं फटाफट सेब खा लूँ नमर करके। चाह नहीं बना सकते भाई, कम से कम चाह तो पिया दियो। मैं कहा सेब खाओगी? भाई मैं पोछा लगाने खातरी रेडी होगी हूँ, और जो आपने टूंटी दिखने लग रही है नहीं, और नीचे पोछा का कपड़ा पड़ा है, जो यह टूंटी है। इस एक दिन मम्मी बहुत डराए थे, एक मिनट साबित करूँ इस टूंटी ने देख के चल दिन कुछ याद आया। टेडी हो गया तो उस दिन रात ना वो पाइप नहीं पड़ा था भाई, मारो कोई मतलब फाइबर वगैरह जो कुछ है तो उसे बाहर रखा था एक दिन रात ना, और वो इस टूंटी के ऊपर डपरा था, टूंटी टूट कर ना तो पूरी रात चल गई। मम ने संभाली को नहीं, रात ना नीचे लग के आवाज़ आवा, बाकी जब मम पड़ी हम तो नीचे उतरा तो बेरा पट जाग भाई ऊपर टूंटी टांटी चल रहा है। तो हमारी टूंटी आ गई 3 बजे ना, 3:30 बजे या 4 बजे, 4 बजे आने लगी। तो प्रियंका ने मैं उठाई, मम दोनों इकट्ठी उठा कर 4 बजे, बोली कि नूनू टूंटी चल रहा है ऊपर, अरे कमरा का गेट भी खुला है, अरे एकदम बोली 3:30 बजे इतनी हवा आई थी बेरा नहीं ऊपर के पड़ गया। मम तो पूरे डर के जमा, फिर मेरी बड़ी बेबी उठाई भाभी नू, बोली ना मैं तो को नहीं जाऊँ, बोली मन ने खा होगा ऊपर चेक में हो, मैं छोड़ो मैं जाऊँगी। देखा जो मैं भी नू डरती डरती सी आई इतनी, मैं तो जाऊँ मेरे तो छोटी छोटी, हाँ बड़ी बेबी ने कहा मैं तो जाऊँ नहीं मेरे तो छोटी छोटी छोड़ी है, हिम्मत करके मैं बोली चल ठीक है मैं जाऊँगी। प्रियंका तो उल्टी नीचे भी दूसरी मोटर चलाई दी, ऊपर वाली चलाई है को नहीं के बनी। फिर मैं ऊपर आई तो देखा यार टूंटी फाइबर टूट रहा है, बोली टूंटी भी चला रखी है फाइबर, मतलब कि हवा मैं उधर टूंटी पैक लग गया, टूंटी भी टूट गई। और कमरा के कुवाड़ देखा बंद कौन थे, नीचे तो लागत थे खुले कौन थे, आई मीन बंद थे, और देखा तो भाई टूंटी जहाँ तक चल रहा थी कि टूट रहा था, नहीं तो इनका डर रहा ऊपर कुछ ना कुछ पक्का बैठा था। मैंने जन देखा होगा उस दिन तो मम्मी इतने ऐसे इतने ऐसे, और ऐसे ऐसे काम कौन चलता, काम करे चल गए तो चल गए फटाफट। देखो गाइज कमरा की सफाई तो बता दियो, चमका दिया है कमरा जमा, बस और उस शीशा की कमी है, मैं बड़ा शीशा ले आऊंगी, वो कई दिनों के कंधे ना, और मैं उनको चाहिए भी है। ये भी पालना में सोऊंगी मैं, ये में संतुष्टि सी हुई है ना, अच्छा फील होया। और ये हमारे डुगू, हम जब भी रील बनाने आते हैं ना ऊपर, तो हम इसके साथ बहुत बार खेल के जाते हैं। इससे गूगल लेके आई थी जिस दिन बर्थडे था सॉरी का, सॉरी ते दिन खातर। लो गाइस देखो मैंने हमारे रूम को चमका दिया है, और अब मैं नीचे जा रही हूँ, पहला चाय पीऊँगी फिर रोटी खाऊँगी यार, चाय बिना मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी कुछ भी। तो मिलते हैं अब नीचे, बाय बाय। तो भाई मारी बन की सारी ऊपर की सफाई और नीचे आ गया, मम्मी सबसे बड़ा मुश्किल काम है हमारे घर में, और मेरे बिना चाय कोई भी नहीं बना होगा। मैंने ऊपर तक इतना सारा काम किया, चाय भी मैंने चढ़ाई है, और मेरे बिना देखो बर्तन भी नुके नु रखे हैं लगाए कौन स्लिप। यार कितने अच्छे नाम हमारे घर वाले, मेरे बिना तो चाय भी नहीं पीते। तुम्हारे घर में भी ऐसा कोई है क्या? जे मैं कितने भी जूतो वो तो अलग बात है, नहीं तो हमारे घर कैसे हैं भाई, चाहे मैं कुछ कर दी हूँ, चाहे मैं नीचे कपड़े धो दी हूँ, चाहे मैं सफाई कर दी हूँ, चाहे मैं कुछ कर दी हूँ, मेरे बिना चाह नहीं बनेगी हमारे घर में। मन ने तो कड़ा प्या मैं थे बनाए करना खुद ही पीते, और मन ने पहला रोटी खा ली बाजरा की बिस्कुट अंबर की लैके करना, बुढ़ा मेरा दादा क्या करता बिस्कुट अंबर की लैके करना बाजरा की रोटी। तो ये मैं ऊपर तक चाह पी लूँ फिर मैं सोऊंगी, मैंने जो मैं जोर की नींद आ मैं पूरे 4 बजे उठी। तो बाय बाय गाइज, आप भी चाय पी लो बना के, और मैं भी पी रही हूँ, बाय बाय।
पर की भाई होगी पूरी सफाई और चाह भी पी ली और खाना भी खा लिया और मैंने नींद आ रहा है अपना कंबल ले लिया है और मम्मी का नीचे की ओर कराओ। डेढ़ बज गया है आधा घंटा सो जाऊँ सोया बिना मजा को नहीं आता कुछ भी चीज़ हो बेशक तो आधा घंटा सो का आधा का नाम लेकर ना मैं एक डेढ़ घंटा सो जाऊँगी। फिर हम कहा मम्मी मैंने कहा मम्मी तो दो बजे कराऊँगी मैं तीन बजे उठ के जाऊँ तो मैं सो जाऊँ मेरा सिर में दर्द हो गया आराम हो जाए तो फिर नीचे की सफाई करनी। ये दिवाली ने मारी जमन रेली कैट दी तो बाय बाय गाइज मुझे नींद आ रही है बाय बाय। भाई मैं सोन लगी थी फिर यही बोलो आ गया कि मैंने लगा सोन कौन दिन और मैं इस दिन को थोड़े रुपये दे दे उन्होंने कहा मेरा अकाउंट में 1371 रुपये है मैंने उस तक दिखा दे दिखाइए रखा है क्या देखा प्रियंका मेरी बैक साइड से उठी 4 रुपये अकाउंट में इसका अकाउंट में 4 रुपये हैं यू रिचार्ज भी मेरे पर करवा हुआ है 500 रुपये दो सारे जने फॉर्चूनर का टायर लिया लगा कि मैं इसका अंदर दूँ 4 रुपये तेना शर्म को नहीं आती आपको क्या पता हमारी मेरे पास कटवा हमारी खुद के हमारी अमीरी का क्या पता आपको अच्छा 4 रुपये में तो गाइस हम नीचे आ गए और हमने भैंस भी नहला दी है देखो कितनी कितनी लवर शाम के और काटड़ा मेरे बाल कह गया इतने इतने मुंह में घाल लिया फिर देखा पीछे तुम कहा मेरे बाल कौन घिसा है दे मेरा काटड़ा बाल खाना है बाल खा गया तू मेरे तो फिर देखा देखो इतने इतने बाल खा गए तो देखो ये फिर मैं नीचे आ गई मैं प्रियंका गला लग गया और ये फिर मैंने मेरे हथियार उठा लिए हैं आज मारे करके बक्स देने वाम ने क्या करें करना पड़ेगा देखो बाइक दिख रहा हूँ कौन सी किसकी मारा दो बाइक है एक मतलब जो उसी खेत में लेके जाया करें और एक जो मेन है या जो बाइक है या मेरे पास परसों टूट गई देखो इसकी हालात कुछ इस तरह दौड़ी है और कड़िया मैं एक्सीडेंट भी को नहीं खेत में जाऊँगी और पूरा मतलब कि अंदर बाइक काटूँगी मैं और यो हाथ मेरा नुकान अंगली दिख दी होंगी छिल रही है नुकान कांध में जाकर लग गया मेरा उरला पैर पर भी मतलब कि जो गोडा उस पर भी गड़ी चोट लग रही है और यो वाला बाइक है एक दिन हमारी बाछी की त्रिवड़ी थी बेरंग किस तरह केक ऊपर होया उसमें भी मेरा नाम आ रहा है कहते मैं दोनों बाइक तोड़ दी। अरे भाई क्या करें ठीक करवा लेंगे है ना तो मैं फटाफट लग जाऊँ फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। फ्यूचर भी खाया नहीं इतना भाई देखो वो मेरा भाई दिखाइए बैक कैमरा करके वो मेरा भाई रहा देखो आपको दिखाते हैं ये जा रहा था शादी में इतना खा के आ रहा है दनु गोज भर के ले आ रहा था और ये इतनी सारी मांस ले रहा जे किसी ने खरीदनी हो बस 20,000 रुपये की एक है घने महंगे को नहीं खरीद सको आप। और गाइस देखो ये भी मैंने साफ कर दिया और थोड़ा वो आगे तो रह गया और थोड़ा हायू रह गया बस बाकी मेरा कंप्लीट हो गया। भैया तो इसी शक्ल होगी जब 2 रुपया बल्कि कद भी होना होगी देखियो और ये फिर दूसरी बार आकर मैंने चाय से डाल दिया खेत में लाई है जीरी काटने वाली उनको चाय दे के आनी है तो देखियो मेरी शक्ल पहले चाय दे और उन्हें पानी दे उसके बाद ऐ कहना नहाऊंगी होगी जितनी सफाई होगी मेरे पता मानती हूँ अद मैंने चा का काम छोड़ के आई हूँ मैं चाह बनाने खातर ये मैं दूँ चाह तो हमने पीना जब तक एक टोपिया मोड़ चढ़ा दूँ एक टोपिया भर के मैंने चढ़ा दिया है वो खेत वालियों के लिए और अभी तो देखो मेरा सॉरी काम के कर गया लोटा फोड़ कर खा कर गया। देखो भाई हम खेत में पहुँच गए और चाह भी दे आए जीरी काटना थी जो और एक घिया पाई थी मतलब कि कूप पर बेल चढ़ा रखी है वो एक घिया तोड़ लाए और ये देखो स्टार डांस की रील बना हुआ है ना स्टार बहुत इसकी मैं रील बना दूँ मैं तो नए को नहीं मैं गद्दी में बनाऊंगी ये इसकी बना दूँ रील जाके मैं भाई बड़ी मुश्किल तो छोड़ दिया घर वाले ने इतना काम करवाया ऊपर की सफाई करवाई और नीचे की करवाई और जो बिचली वाली मंजिल है हमारी या तो इसकी मम ने मतलब 2 दिन पहला कर दी थी उस दिन मैं ब्लॉग बना को नहीं पाई थी और ये मैं नह ली हूँ ये कुछ फरासी हुई हूँ मतलब देखिए लग गया पूरा दिन का मेरा था जिन रेता बढ़ रहा है पूरा गात में
तो खुले छोड़ लिए, मैंने बाल स्ट्रेट कराने का क्या फ़ायदा है जो खुले नहीं छोड़ूँ, तो मैंने बाल खुले छोड़ लिए हैं। और प्रियंका का तीनों का आप तो नू सफाई करा दी, पर सारी लक्ष्य मैं अपने घर आऊँगी दिवाली वाला दिन, तो करनी थी सफाई कर दी, सफाई कर दी तो वही बात है, बढ़िया चीज़ तो बढ़िया हुआ अगर है। तो ई मैं जाऊँ मंदिर में जोत लगाने खातर, फिर मिलते हैं गाइज, ई मैं मत्था टेका मंदिर में जी थोड़े रोज जाए करूँ, बाय। शाम के 6:30 हो गए हैं और प्रियंका वाली कुछ सफाई करी थी, इतनी तो कुछ खुवा दो, तो मैंने इन सारे खेतर समोसे मंगवा दिए हैं, एक पन्ना भर के, एक पन्ना भर के मम्मी सॉरी सुधा लाइका छः 7 जने हाँ, तो मैंने सारे का एक एक समोसा मंगवा दिया ठंडे, मेरी मम्मी ने मंगवाने को नहीं दिए नाइटगी बोली ठंड गई होने लग रही है, तो समोसे समोसे मंगवा लिया, जिसका बर्गर का जिक्र उसका बर्गर मंगवा दिया, जिसका समोसा जिक्र उसका समोसा मंगवा दिया। तो गाइस हम पार्टी कर रहे हैं, फाइनली मेरा काम बन गया है और मैं अपनी खाट पे बैठ गई हूँ, समोसे खा लिए थे तो फिर रोटी खाने जी को नहीं कराया, मैं कुछ चीज़ खा लूँ तो रोटी खाने मेरा जी को नहीं करा करता, जब भी तो मैं इतनी मोटी तकड़ी हूँ, तो ईब बैठी हूँ मैं आराम था, इबी जो मैं पूरा शरीर दुखा इतना काम कर। तो गाइज मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को शेयर कर देना और लाइक कर देना, और बाय बाय गाइस, मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ, बाय।